वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन बेहद खास होते हैं, लेकिन अष्टमी, नवमी और दशमी ये तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में जो लोग अष्टमी मनाते हैं, यानी जिन लोगों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, वो सप्तमी तक व्रत रखते हैं, और जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो अष्टमी तक व्रत रखते हैं। लेकिन इस बार तिथि को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने वाले हैं, ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी मनाने वाले किस दिन व्रत रखे। पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि में आने वाली अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से हो रहा है, जो अगले दिन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक रहेगा। उदय तिथि के हिसाब से अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को है। वहीं इस बार शारदीय नवरात्रि की नौमी तिथि का आरंभ 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से नौमी तिथि भी 11 अक्टूबर 2024 को ही है। वहीं इस हिसाब से अष्टमी और नौमी के दिन कन्या पूजन करने वाले 10 अक्टूबर 2024 को ही व्रत रखें। इस साल अष्टमी और नौमी तिथि एक ही दिन है, जिसके कारण केवल 11 अक्टूबर 2024 को ही कन्या पूजन करना शुभ रहेगा। 11 अक्टूबर 2024 को कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल से लेकर सुबह 10:41 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 12:08 तक राहु काल रहेगा, जिस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।